नमस्कार दोस्तों, मैं मनोहर जोशी आपका स्टूडियो ट्रिक में स्वागत करता हूं। और सबसे पहले तो उन दोस्तों का अभिनंदन और आभार जिन्होंने मेरे पहले वीडियो इंट्रोडक्शन के वीडियो को लाइक किया, शेयर किया और सब्सक्राइब भी किया। मैंने आपसे वादा किया था कि 2 अप्रैल की सुबह 10 बजे मैं अपनी वीडियोस की शुरुआत करने जा रहा हूं। तो चलिए आज पहला वीडियो शूट करते हम। और आज बेसिक्स में शुरू करने जा रहा हूं और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं आपको बताते जाऊंगा कि क्या हो रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं। ड्राइंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी 2 चीज़ें, एक पेपर, एक पेंसिल। तो वो चाहे आप ड्राइंग बुक यूज़ करो या बाज़ार में मिलते हैं A4 साइज़ के पेपर्स, जो ज़्यादातर लोग जेरोक्स के लिए यूज़ करते हैं। बंडल मिलता है करीबन 250 रुपये में, जिसमें 500 पेजेस होते हैं। शुरुआती दौर में प्रैक्टिस के लिए ये पेज ड्राइंग बुक से ज़्यादा अच्छे और सस्ते पड़ेंगे। भाई, कागज़ बचाने के लिए भी तो देखना पड़ता है ना। चलो शुरुआत करते हैं। मैंने कहा था कि ड्राइंग क्या है, आड़ी खड़ी और आड़ी तिरछी जिगजाग लकीरों का मेल। ये है आड़ी लकीर और ये है खड़ी लकीर। जब आड़ी और खड़ी को मिलाते हैं तो कुछ शेप भी बन सकता है। शेप में बेसिकली स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल और इतने शेप बनते हैं। आप देखेंगे कि ये 2 आड़ी लकीर है और 2 खड़ी लकीर है। इसको मैंने डबल कर दिया। ये बन गई हमारी फ्रंट से दिखने वाली टेबल। आड़ी लकीरों की बात करें, ये कुछ अलग अलग साइज में बनाई है मैंने, मगर सब खड़ी लकीरें हैं। इनको मिला देते हैं। ये हो गए हमारे लाइट पॉल। ये हो गया हमारा कबर्ट। आते हैं अगले पेज पे, जिगजैग लाइन। सिर्फ एक लंबी जिगजैग से ही नहीं होता। जिगजैग का मतलब है कि आप कुछ भी जो कर रहे हैं वो कहीं से भी जा सकती है। इसे हम डिजाइन तौर पे यूज कर सकते हैं।
और खूबसूरत बनाने के लिए ये सारा ही शौक और लकीरों का खेल है। जो एक पर्टिकुलर शेप में बने तो ड्राइंग में बदल जाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि कुछ आड़ी टेढ़ी लकीरें, मगर जब उसको पर्टिकुलर शेप देते गए तो वो एक पेड़ की शक्ल में बदल गया। तो आइए आगे कुछ ऑब्जेक्ट ड्राइंग बनाते हैं सामने रख के। मेरे पास एक पाइप नुमा बॉटल है, तो इसको मैं सामने ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करने जा रहा हूँ। अब जब हम ये देखते हैं कि सामने रखी हुई चीज, तो इसकी हमें आउटलाइन ढूंढनी पड़ती है कि इसकी आउटलाइन क्या है। ऊपर ओवल है, साइड से बनी एक लाइन, यहाँ से बनी दूसरी लाइन, नीचे एक हाफ ओवल, और जो लाइट आ रही है हमारे लेफ्ट साइड से आ रही है, तो ये साइड उजाला ज़्यादा है, ये साइड अंधेरा ज़्यादा है। तो चलो ये लकीर पकड़ते, आपको किसी भी चीज़ की लकीर उसकी ढूंढनी पड़ेगी और वही ड्राइंग में काम आती है। एक पॉइंट बना लेते, मेरी नज़र से जो मुझे दिख रहा है वो मैं बनाने जा रहा हूँ। आप जो भी रखेंगे सामने, जो दिख रहा है आप वो आप बनाएंगे, ठीक। ये हो गए दो लकीरें। सेंटर की अब इसे हम लेते हैं थोड़ी सी शेप, ताकि वो राउंड जो है वो दिखाई पड़े, और वो होता है शेड का कमाल। ये जो शेप बन रही है, जो गोलाई है, तो आपकी लकीरें गोलाई में घूमेंगी तो गोल शेप दिखेगा, फ्लैट घूमेंगी फ्लैट दिखेगा। ऊपर ढक्कन पे मैंने फ्लैट खींचा है, यहाँ मैं राउंड खींच रहा हूँ। तो आज के शिक्षण में इतना ही। हमने लकीरों से शेप की तरफ बढ़े, शेप में चार मेजर स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल और पांचवा ओवल,
तो इन पांचों चीज़ों को मैंने अपनी लकीरों में बताया है, और जिगजाग जिससे पेड़ बना। तो आप भी प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं 4 दिन के बाद। और हाँ, मेरे डिटेल जो नीचे दी है स्टूडियो की, उसमें मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, तो अगर आप चाहें तो अपनी की हुई ड्राइंग मुझे भेज सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।